नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त मार्केट में कहां पर एक्शन हो रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेज गिरावट है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 48,800 रुपए तक लुढ़का है और चांदी का भाव 65,000 रुपए तक गिर चुका है। गोल्ड में इस वक्त करीब 450 रुपए की गिरावट है और चांदी के दाम 900 रुपए से ज्यादा गिर चुके हैं। तो अब सवाल यह है, पहला सवाल तो ये कि आखिर ये गिरावट इतनी बढ़ी क्यों है, और दूसरा सवाल ये कि क्या ये गिरावट बढ़ेगी, और तीसरा सवाल ये होगा कि क्या इस गिरावट पर बाइंग करनी चाहिए। हमारे साथ इन तीनों सवालों के जवाब देने के लिए जिगर धर्मशी हैं मोतीलाल ओसवाल के। जिगर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही कि गोल्ड में इतनी तेज गिरावट क्यों आ गई है, गोल्ड और सिल्वर में? जी हाँ, हमने देखा है कि आज सुबह से मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देखा है और प्राइसेस सुबह से ही लोअर लेवल्स पे ही सस्टेन होते हुए दिख रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि हमने देखा था कि जो यूएस डॉलर इंडेक्स है वो काफी निचले स्तरों पे ट्रेड कर रहा था, बट पिछले एक या दो दिनों में हमने देखा कि काफी अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी डॉलर इंडेक्स में और तकरीबन 90.50 के लेवल्स तक आ चुका है। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि यूएस के जो ट्रेजरी यील्ड्स है वहां पर भी 10 महीने के ऊपरी स्तरों के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक दो फैक्टर्स है जहां से जिसकी वजह से गोल्ड में एक करेक्शन का हमने आज का मूव देखा है। अब आगे जाकर अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए ये करेक्शन और थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, बट जो डाउनसाइड है वो काफी लिमिटेड रहेगी। मैं नहीं सोचता हूँ कि बहुत ज्यादा करेक्शन आएगी, बट यस इंट्राडे में मोमेंटम रहेगा और नेगेटिव प्रेशर बना हुआ रहेगा। तो आज के सेशन में अगर गोल्ड में कोई भी ट्रेड लेना है तो मैं सजेस्ट करूंगा करंट लेवल्स पे नहीं, बट अगर थोड़ा पुलबैक आता है तकरीबन 49,000 तक के लिए तो वो लेवल से एक बेटर सेलिंग लेवल रहेगा। 49,200 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और निचले स्तरों पे 48,600 तक के हम लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। ओके, ठीक है। सिल्वर पर आपका व्यू क्या है जिगर? चांदी में क्या करना चाहिए, क्योंकि चांदी में भी 900 रुपए तक की गिरावट है। क्या चांदी की गिरावट ये बढ़ने वाली है क्या अभी? जी हाँ, मुझे लगता है कि बिल्कुल ही इंट्राडे के प्रस्पेक्टिव से चांदी में भी गिरावट और बढ़ सकती है। हमने देखा है कि प्रेशियस मेटल्स के कॉम्प्लेक्स के हिसाब से सिल्वर में भी गिरावट तो है, बट बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में भी हमने देखा है कि एक अच्छी गिरावट है और सिल्वर बीइंग एन इंडस्ट्रियल मेटल भी काफी ज्यादा यूज होता है, तो दोनों तरफ से सिल्वर में भी प्रेशर है। तो आज के सेशन में मुझे लगता है कि सिल्वर में भी एक सेलिंग का मूव रहेगा। तकरीबन 65,300 के लेवल्स काफी अच्छे रहेंगे सेलिंग के लिए, 65,700 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 64,500 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने कॉल दी है अभी गोल्ड और सिल्वर में बिकवाली की, जो टारगेट है आपका, जैसे 48,600 का टारगेट आपने गोल्ड का दिया है और सिल्वर का दिया है 64,500 का, क्या उस लेवल पे आके मार्केट दोबारा तेजी का रुख करेगा, या उस लेवल को अगर तोड़ देता है तो थोड़ी गिरावट और बढ़ जाएगी? क्या सुझाव है आपका? जी देखिए, मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है जैसे मैंने पहले ही कहा, ये बिल्कुल ही इंट्राडे के प्रस्पेक्टिव से करेक्शन है। मुझे नहीं लगता कि ये डाउनसाइड और ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है। इसका एक कारण ये है कि आज के सेशन में जो बिडन की तरफ से जो कोविड रिलीफ पैकेज से रिलेटेड जो एक्शन प्लान है वो अनाउंस होना है, उसके ऊपर भी मार्केट का काफी ज्यादा फोकस रहेगा। तो कितना पैकेज अनाउंस होता है तो उसके ऊपर भी गोल्ड के और सिल्वर के प्राइसेस आगे जाते होते हुए रिएक्ट करेंगे। दूसरी तरफ ग्लोबली अनसर्टेनिटी अभी भी है, तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आने के बाद भी अनसर्टेनिटी जो कोविड की है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो जिस तरह के हालात है और ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलस आने की जो बातें हो रही है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, और उस दौरान में हमेशा गोल्ड में एक सेफर एसेट्स की बाइंग आती है। तो निचले स्तरों पे जो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर ट्रेड करना चाहेंगे तो उनको निचले स्तरों पे एक्यूमुलेशन का मौका जरूर से मिलेगा। तो ये जो निचले स्तर रहेंगे वो गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए एक्यूमुलेट करने का मौका रहेगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली डेफिनेटली गोल्ड सिल्वर दोनों को एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि मीडियम टर्म जो टारगेट से गोल्ड के लिए वो पॉजिटिव रहेंगे सिल्वर और गोल्ड दोनों के लिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मीडियम टर्म मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है आपको गोल्ड और सिल्वर का, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सोने और चांदी की कि इस गिरावट पे आपको करना क्या है, लेकिन अब हम बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड का मार्केट रेंज में है और ब्रेंट का भाव 56 के ऊपर है, WTI क्रूड का भाव $53 के करीब है और 56 के आसपास ब्रेंट है। MCX पर भाव 3863 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बहुत ही मामूली गिरावट है, यूं कहें कि बिल्कुल रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो क्रूड में इस वक्त जिगर क्या ट्रेड लिया जाए इस भाव पर?
जी क्रूड में हमने देखा है कि क्रूड में भी फिलहाल तो काफी एक रेंजबाउंड मोमेंटम है, बट हमने देखा है कि क्रूड में जो रिसेंट टॉप बनाया था 3970 से काफी अच्छा गिरावट है, तो हाई से तकरीबन 100 रुपये प्राइसेस नीचे गिर चुका है। और मुझे लगता है कि क्रूड की जो ये करंट रैली है वो कहीं ना कहीं अब एग्जॉस्ट होती हुई दिख रही है, एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिख सकता है 1 से 2 दिन के सेशन में। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि यूरो रीजन में और चाइना में दोबारा से जो कोविड के जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस दोबारा से लगाए जा रहे हैं और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं। तो इन रीजन से क्रूड की जो डिमांड है, जो ऑप्टिमिज्म था कि जो डिमांड है वो काफी अच्छे से रिकवर हो जाएगी, इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो होगी, उस पर अब दोबारा से एक क्वेश्चन राइज हो रहा है, जिसकी वजह से क्रूड के जो प्राइसेस में अब दोबारा से एक प्रेशराइज मूव आता हुआ दिख सकता है। तो मुझे लगता है कि क्रूड में 1 या 2 दिन का व्यू ले तो एक सेलिंग का मूव रहेगा, और आज के दिन में अगर देखें तो 3870 काफी अच्छा लेवल रहेगा सेलिंग के लिए क्रूड में। 3910 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 3770 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ओके, कॉपर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है और क्या कॉपर में इस वक्त बेचकर चलना ठीक रहेगा, शॉर्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए कॉपर में? बेस मेटल्स में ओवरऑल मुझे एक रेंज बाउंड टू नेगेटिव का मोमेंटम दिख रहा है, डाउनसाइड लिमिटेड है। इंट्राडे प्रस्पेक्टिव की बात करें तो कॉपर में बिल्कुल बेचना चाहिए, 610 के करीब अच्छा लेवल रहेगा सेलिंग का, 614 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 604 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, जिंक में आपको लगता है कि अभी शॉर्ट किया जाए? जी हाँ, जिंक में भी हमने काफी अच्छा रिवर्सल देखा है, 220 221 के लेवल से प्राइसेस में काफी अच्छा एक रिवर्सल आता हुआ दिखा है। मुझे लगता है कि ये जो करंट डाउनसाइड है जिंक में, ये थोड़ी और ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है, तकरीबन 214 से 213 तक के लिए। तो जिंक में भी अगर 216-250 तक के लेवल्स मिले तो बहुत बेटर लेवल्स रहेंगे इंट्राडे के लिए सेलिंग के लिए। 218 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और इंट्राडे परस्पेक्टिव से 213-50 के टारगेट्स हम आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड दे सकते हैं, लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है प्रवीण का, हिसार से है हमारे साथ, पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने 10 लॉट निकल के सेल किए हैं 1286 पे। अच्छा, निकल में 1200 के किस भाव पर? 86 पे सर, क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रखूं? अच्छा बताइए जिगर, क्या किया जाए निकल में? जी निकल में एक 1292 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, 92 से 93 के जोन में, और मुझे लगता है कि एक छोटा सा गिरावट जरूर आ सकता है 1280 से 1279 तक के लिए, वहां पर एग्जिट ले लेना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है राजकुमार का, कोलकाता से है, पूछिए राजकुमार जी। सर मैं गोल्ड बाई किया हुआ हूँ, वो आपका 5 मार्च वाला 51,700 में, वहां तक क्या गोल्ड जाएगा? अच्छा, 70,000 में सिल्वर भी खरीदा हुआ हूँ फेब्रुअरी का। ठीक है, बताइए जिगर क्या करना चाहिए इनको अभी? जी देखिए, अगर जो प्रेशियस मेटल्स में जो खरीदारी की है वो अगर मीडियम टर्म परस्पेक्टिव से की है तो मुझे लगता है कि अभी भी खड़े रहना चाहिए। जैसे मैंने आज के बताया है कि ये जो डाउनसाइड है वो बहुत लिमिटेड लग रही है, और शाम को एक इवेंट है जो जो विदिन का प्लान भी आना है कि कितना फर्दर स्टिमुलस करने की बातें करेंगे, तो मुझे लगता है कि मीडियम टर्म परस्पेक्टिव काफी अच्छा है। तो अगर रिस्क एपेटाइट है तो डेफिनेटली मीडियम टर्म परस्पेक्टिव गोल्ड और सिल्वर दोनों में होल्ड करके चलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।